नीला जी, शुरुआत आपसे ही करता हूं। जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी सरकार में भारत बदल गया, एक नया भारत, ऐसा भारत जो पहले कभी नहीं था। और अब राहुल गांधी विदेश दौरे पे गए हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी, आरएसएस, ये भारत की एकता के लिए, विविधता के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी पे तंज कस रहे हैं कि वो तो भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। मेरी सबको राम राम। और राहुल गांधी जी का ये स्वभाव जो है उससे अब पूरा भारतवर्ष, या फिर मैं कहूंगी कि जो इंडियन डायस्पोरा है, वो किसी भी देश में वो अपरिचित नहीं है। उनको विदेशी धरती पर रहकर भारत के ऊपर टीका टिप्पणी करनी ये है ही है, ये उनकी मजबूरी कह सकते हैं या आदत कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। पर इस बार हद क्यों पार कर दी गई? हद इसलिए पार कर दी गई कि मोदी जी का अपमान करते करते आप जो है भगवान का भी अपमान करने लगे। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो ईश्वर के साथ बैठे तो वो उनको भी कंफ्यूज कर देंगे। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि जिस भी ईश्वर के बारे में आप बात कर रहे हैं कि वो, यानी उनकी बुद्धि, ईश्वर की बुद्धि जो है वो नरेंद्र मोदी जी से कम है। तो वो जो थिन लाइन होती है ना कि अपमान आप मोदी का करना चाहते हो, आप उसमें भारतीय संस्कृति, जो हमारे सनातनी धर्म है, उसका अपमान कर बैठते हो। उत्तर तो राहुल गांधी को देना पड़ेगा, अवश्य देना पड़ेगा। उनकी प्रवक्ता भी आपके पैनल पर बैठी हुई है कि क्या सनातन धर्म के हिंदू देवी देवताओं में इतनी बुद्धि नहीं है, इतना विवेक नहीं है कि एक आम मनुष्य, मैं मोदी जी को एक आम मनुष्य मानती हूं, ठीक है, उनकी बुद्धि से ईश्वर की बुद्धि का तुलना कर देना और ये कह देना कि ईश्वर में इतनी बुद्धि नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी उनको कंफ्यूज कर देंगे। बारंबार 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 सनातन का अपमान क्यों करते हैं राहुल गांधी जी? वो भी स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में जाकर। यूएसए में जून के महीने में नरेंद्र मोदी जी स्टेट गेस्ट बन रहे हैं यूएसए के। यूएसए के प्रेसिडेंट जो है स्वयं उनकी प्रशंसा करते हैं। हाल फिलहाल ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पे जिस प्रकार का रिस्पांस उनको मिला है। और आप ऐसे देश देख लीजिए, यूएनओ सहित, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो फिलीपींस हो, फिजी हो, अनगिनत ऐसे कंट्रीज हैं, देश हैं, 16 से ज्यादा, जिन्होंने अपना सर्वोच्च सम्मान हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। तो ये सारे देश भी मूर्ख हैं। जनता तय करेगी भारत की। लेकिन अनिला जी ये भी तो कहा जा सकता है ना, इसकी शुरुआत तो बीजेपी ने की है, प्रधानमंत्री मोदी ने की है। जब वो विदेश गए थे तो उन्होंने कहा था कि 2014 से पहले भारतीयों को अपने भारतीय होने पे शर्म आती है। उन्होंने भी विपक्ष पे निशाना साधे थे जब वो विदेश में गए थे। तो ये तो उसी का एक्शन रिएक्शन हो रहा है। मैं ये कहती हूं कि आपको नरेंद्र मोदी जी का जितना अपमान करना है करिए। इसी महीने मैं भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गई थी, अद्भुत यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और वहां पे SFO यानी सैन फ्रांसिस्को के लोगों से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ। उन लोगों का जो सम्मान है मोदी जी के प्रति वो अद्भुत है, अद्वितीय है, ठीक है। इनके पास ऐसा नेता है ही नहीं। राहुल गांधी जी, आपको अपमान करना है नरेंद्र मोदी जी का, आप एक बार नहीं 100 बार करिए, पर सनातन हिंदू देवी देवताओं का क्यों अपमान कर रहे हैं, वो भी देश भूमि पर जाकर? इसका उत्तर तो देना पड़ेगा ना उनको। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।